हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? सब ठीक है, भगवान दया से मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों को हमेशा आंटी चटनी दिखाती है, चावल दिखाती है, सब्जी दिखाती है। कुछ अच्छा वैरायटी आप लोगों को लेके आया आज मैंने, बहुत पसंद है, सबको पसंद आने वाले। बहुत लोग पूछ रहे थे आइसक्रीम दिखाओ आंटी, आइसक्रीम दिखाओ, इसलिए आज आप लोगों के सामने मैंगो आइसक्रीम लेके आया मैंने। इतना दिन कोरोना की वजह से डर के मारे में सब लोग को नहीं दिखाया, अभी बहुत लोग पूछ रहे हैं ना, इसलिए मैं दिखा रही है आप लोग को मैंगो आइसक्रीम। मैंगो आइसक्रीम कैसा बनाने का मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। दो मैंगो लिया है मैंने, एकदम बड़ा है तो एक लीजिए, नहीं थोड़ा छोटा है तो दो मैंगो लीजिए। दो टेबल स्पून शुगर लिया है, बहुत कम शुगर लिया मैंने, मैंगो मीठा रहता है ना। और दो कटोरी दूध लिया है, कंडेंस्ड मिल्क लिया है आधा कटोरी, नींबू जूस निकाल के एक टीस्पून नींबू जूस डालने का है। मैं कैसा करने का आप लोगों को दिखाती हूँ अभी मैं। आप लोग को बादाम चाहिए तो डाल दीजिए, नहीं तो नहीं, मगर डालेगा तो टेस्ट अच्छा आता है ना, इसलिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों का। पहले ये मैंगो मिक्सी में डालने का है, ये थोड़ा सा शुगर लिया मैंने, देखने बहुत ही कम शुगर है, शुगर लिया है। अभी ये और ये दूध भी इसके अंदर ही डाल देती हूँ, ठीक। और ये कंडेंस मिल्क भी इसी में डाल दूंगी, आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब ये मिक्सी में पीस के लेके आती हूँ मैं सब मिलके। अब मैं मिक्सी में दो कटोरी डाला ना, थोड़ा ज़्यादा हो गया दूध, इसलिए निकाल के थोड़ा साइड में रख दें। थोड़ा पीसने के बाद ये भी निकाल के उसके अंदर डाल के साथ में पीसती हूँ। आप लोग को बड़ा जा रही तो डाल दीजिए, नहीं तो बाहर आ जाएगा दूध, देख के डाल दीजिए, ठीक है ना। पीसा है ना मैंने, अभी ये बाकी दूध भी डालती हूँ, क्यों ऊपर आ जाएगा ना, इसीलिए मैंने कम दूध डाल दिया है। देखो फ्रेंड्स कैसा पीसा है। अभी नींबू पहले खींच के रखेगा तो कड़वापन रखता है ना, इसीलिए मैं अभी नींबू निकाल के एक स्पून डाल दिया। अच्छे से मिक्स कर देंगे हम लोग। मैं ये कंटेनर में डाल रही हूँ, मैं देखना एक दो पीसेस पीसने के बाद आप लोगों का रहेगा ना, कोई टेंशन नहीं है। अभी दोबारा फ्रिज में 5-6 घंटा रखने के बाद हम लोग इसको दोबारा पीसना पड़ेगा, तभी वो अपने आप मिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा पीसेस रहेगा तो भी फिर भी डाल दीजिए, दोबारा पीसने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अभी इसमें डाल दिया ना कंटेनर में, अभी ये बंद करेगा, मैं इसके साथ अच्छे से कवर करेगा एकदम, बंद कर दिया ना। इसको 6 घंटा तक फ्रिज में रखूंगी। आपके पास अल्यूमिनियम फॉइल है तो वो भी लगा सकता है। अभी फ्रीजर में रख रही है मैं, फ्रीजर में रख के 6 घंटा बाद दिखाती हूँ कैसा है, बाकी क्या करने का आप लोग को बताऊँ। आप देख लीजिए कैसा बन गया, हम लोग देखेंगे अभी इसका, धीरे से निकालेंगे, एकदम बढ़िया बन गए ना। अभी इसके अंदर डाल के और एक बार पीसने का है इसको, अभी ढक्कन लगा के पीस के दिखाती हूँ। अभी दोबारा पीसा ना 5 मिनट के लिए, देखना कितना अच्छा। अभी फिर इसके अंदर डब्बा में डाल के हम लोग एक कंटेनर में हम लोग फ्रिज में रखेंगे, एकदम बढ़िया बन गया है। अभी ड्राई फ्रूट्स डाल रही है मैं, अभी आप लोग को मर्जी, डालेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी आधा मिक्स कर देंगे अंदर, अभी ऊपर अंदर डाला ना, थोड़ा ऊपर डाल रहे हैं मैं। अभी इसको बंद कर रहे हैं मैं। अभी 10 घंटा के लिए हम लोग फ्रीजर में रखेंगे, तब निकाल के दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा है। अभी कैसा बन गया है, फ्रिज में से निकाला है मैंने, अभी फ्रिज में से 10 घंटा रखा ना, अभी खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा बन गया है। वाओ क्या कलर है, टेस्टी कैसे है देखेंगे अभी हम लोग, कितना अच्छा बन गया है ना आइसक्रीम। देख लिए ना आप लोग कितना इजी है घर में आइसक्रीम बनाने के लिए, कितना टेस्टी आइसक्रीम है। आम का सीजन है, आम से बनाइए आप लोग, कितना अच्छा बना के खा के। आप लोग कैसा है मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आप लोग मेरा चैनल के नीचे थम्स अप बटन दबाइए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। बाय, सी यू, टेक केयर, एंजॉय।